अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट ऑप्शन जो आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर मिलता है उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं या वहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑप्शन, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह से काम करता है और इसका बेसिक ओवरव्यू देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, हम प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ दो ऑप्शंस नजर आएंगे। फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो बेसिकली ये हमें ले जाएगा एक डिफरेंट मार्केट प्लेस के ऊपर, ऐप्स के ऊपर, और वहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग ऐप्स लाइक ओबरलो, लाइक डीजर और समथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ हम इसको ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको मैन्युअली प्रोडक्ट ऐड करना है तो सिंपल आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ऑप्शन है हमारे पास एड प्रोडक्ट। सिंपल आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे अपने प्रोडक्ट का, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें भी उस डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना चाहें, इमेज है, वीडियो है या टेक्स्ट का को डिज़ाइन करना चाहें, तो इन ऑप्शंस की आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद उन प्रोडक्ट के रेलिवेंट यहाँ पे जो भी आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक सैम्पल स्टोर यहाँ पे ओपन किया हुआ है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इन शर्ट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे देखें हमें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कुछ इमेजेस यहाँ पे नज़र आएंगी। ये देखें, ये इमेजेस नज़र आ रही हैं हमारे पास इस तरह से कंप्लीट डिफरेंट। तो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्राइसिंग सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट पर आइटम आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कस्टमर के लिए नहीं होगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इन्वेंट्री का एसक्यू और बाकी सारी चीज़ें दे सकते हैं और ये बेसिक्स ऑप्शंस हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो ये बेसिक्स ऑप्शंस हैं। और इस साइड पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास नज़र आते हैं। सबसे पहले कि प्रोडक्ट एक्टिव है या ड्राफ्ट है, आप अगर पब्लिश डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो एक्टिव पे रहने दें। और यहाँ पे आप सेल्स चैनल हैं कि आप कहाँ पे इसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन स्टोर के अंदर या कहीं और। अगर आप के पास और जो है एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती लाइक फेसबुक की तरह, या फेसबुक की मार्केट प्लेस आप इसके साथ कनेक्टेड होती, तो यहाँ पे और ऑप्शंस भी नज़र आ रहे होते आपको। राइट, उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट की टाइप आप लिख सकते हैं, वेंडर का नाम लिख सकते हैं, कलेक्शन बता सकते हैं कि कौन सी कलेक्शन है। कलेक्शन बेसिकली कैटेगरी को हम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कलेक्शन है, जैसे शॉप के अंदर हम देखें तो शर्ट्स की एक अलहदा कलेक्शन है, निट्स की एक अलहदा कलेक्शन है, स्वेटर्स की एक अलहदा कलेक्शन है, बॉटम्स की एक अलहदा कलेक्शन है। अगर इस कलेक्शन को मैं खोलूं तो इसके अंदर स्पेसिफिक वही प्रोडक्ट होंगे जिसकी वो कलेक्शन है स्पेसिफिक। तो इस तरह से आप यहां से वो चूज़ कर सकते हैं। और ये थे कुछ बेसिक्स ऑप्शन। अब यहाँ पे देखें, एक इन्वेंट्री का ऑप्शन है, ट्रांसफर का ऑप्शन है और कलेक्शंस का ऑप्शन है। इन्वेंट्री यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री और मैनेज कर सकते हैं जितनी आपके पास स्टॉक अवेलेबल है आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफर, मैनेज योर इनकमिंग इन्वेंट्री, कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो पेंडिंग कितनी पड़ी है, वो कितनी आ रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ट्रैक एंड रिसीव इनकमिंग इन्वेंट्री फ्रॉम योर सप्लायर एंड बिजनेस लोकेशंस, तो यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके बिजनेस के अंदर यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट होती रहें कि इतना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, इतना आ रहा है और इतने की हमें ज़रूरत है मजीद, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलेक्शंस है, हम डिफरेंट कलेक्शंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शंस का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे पास जो है वो ये वाली जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट, जैसे ये हमारे पास कलेक्शंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। डोंट वरी, आगे चल के हम डिटेल के अंदर कलेक्शंस क्रिएट भी करेंगे, प्रोडक्ट भी बना के पब्लिश करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है। गिफ्ट कार्ड बेसिकली ऐसे कार्ड्स होते हैं, डिजिटल कार्ड्स होते हैं जिनके अंदर एक स्टोर्ड वैल्यू होती है। आप यहाँ से लेट्स सपोज आप $10 का गिफ्ट कार्ड जनरेट कर लेते हैं, अब वो गिफ्ट कार्ड आप जिसको भी देंगे वो आपके इस स्टोर से आके उस गिफ्ट कार्ड को यूज़ करते हुए $10 की कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस, और प्रोडक्ट्स के अंडर जो भी ऑप्शंस थे उनके बारे में मैंने आपको बताया।
तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।